एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं से मैं भी एकदम बढ़िया ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत आप लोगों के साथ, और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। 9:30 बजने वाले हैं, हस्बैंड भी जा चुके हैं अपने काम पे, और किचन का जो भी मतलब नाश्ता पानी सब कुछ हो गया है। फिलहाल अभी किचन को नहीं साफ किया है, बर्तन वगैरह भी पड़े हुए हैं धुलने के लिए, तो सबसे पहले रूम वगैरह सेट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर किचन वगैरह सही करूँगी। तो यहाँ मतलब छोटा वाला बेटा है वही वीडियो शूट कर रहा है, क्योंकि हमने बोला था ना कि लॉट ट्राइपॉड पे लगा देते हैं, क्योंकि वो हिलाता रहता है फिर सही से शूट नहीं हो पाता है। लेकिन वो बोला नहीं मम्मी हम ही करेंगे, तो आप लोग प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि वो अच्छे से इतना नहीं शूट कर पाता है। लेकिन अब जिद कर रहा था तो दे देते हैं, जब जिद करता है कि अच्छा ठीक है तुम ही शूट कर लो। तो दोस्तों पूरी वीडियो पे बने रहिए। आज का हमारा ये वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके ही जाएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कर दें, और हाँ एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए पहले फटाफट रूम वगैरह सही कर लेते हैं। जैसा कि अब गर्मियां जो हैं स्टार्ट हो गई हैं, अब काफ़ी ज़्यादा गर्मी होने लगी है, तो कॉटन की चादर वगैरह हमने निकाल लिया है। और कॉटन की चादरें जो हैं हमको साल के 12 महीने अच्छी लगती हैं, चाहे ठंडी हो या गर्मी। लेकिन क्या होता है कि ठंडी में कभी कभार जो मिक्स वाली आती हैं वो भी यूज कर लेती हूँ। फिलहाल मैं तो कभी नहीं खरीदती हूँ वो मिक्स वाली, हस्बैंड ही लेकर आ जाते हैं तो यूज कर लेती हूँ। और फिर छत पर गए थे कपड़े उतार लेके आए हैं तो उसको रख दिया है, क्योंकि हमेशा का मतलब जब से हवाएं चलने लगी हैं तब से मेरा यही रूटीन हो गया है कि शाम को फैलाती हूँ कपड़े और सुबह जाके सबसे पहले कपड़े ले आती हूँ, उनको रख देती हूँ, और बाकी दोपहर में जब टाइम मिलता है तब उसको मोड़ के रख देती हूँ। तो झाड़ू वगैरह अंदर लगा लिया था, उसके बाद जो है ये पेड़ मेरा जो है ये ख़राब हो रहा है, पता नहीं क्या है, इसकी पत्तियाँ सूखती जा रही थी। तो कई दिन से सोच रहे थे कि टाइम मिले तो इसको हम सही कर दें, और तो कोई हाथ लगाएगा नहीं, बस लाकर रख देंगे, बाकी और कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। तो हमने कहा चलो हम ही को करना है तो लगे हाथ इसको भी कर ही लेती हूँ। बाहर जो है धुलाई करने जा रहा था बेटा, तो हमने कहा चलो पहले इसको हम सही कर देते हैं, जो सूखी पत्तियाँ हैं उनको निकाल देंगे, और बाकी अब नए जो हैं छोटे छोटे पत्तियाँ जो हैं आने लगी हैं, और मतलब पेड़ अब थोड़ा नीचे से ग्रो कर रहा है। फिलहाल पता नहीं इसमें क्या हुआ था, और पानी वगैरह तो बराबर डाला जाता है, लेकिन इसमें पता नहीं क्या हो गया तो सूखने लगा था, तो सूखी पत्तियाँ तो निकाल दिए हैं। और अब इसमें जो खाद वगैरह है तो बोले हैं हस्बैंड से लाने के लिए कि ला दो तो इसमें भी डाल दें और पेड़ थोड़ा सा ही हो जाए। तो इसकी पत्तियाँ जो थी इधर उधर इसकी डाले जो हैं फैली हुई थी, तो इसको थोड़ा सा बटोर के और मतलब इकट्ठा करके बांध दिया था, और उसके बाद फिर अंदर आए पोछा वगैरह लगाया, उसके बाद नहा लिया था। तो अब नहाने के बाद आ गए हैं किचन में, तो बर्तन धुले रखे हुए थे, तो हमने कहा इसको लगा देते हैं पहले, क्योंकि बर्तन धुल लो और बढ़िया सूख जाते हैं तो फटाफट लगाने में आराम रहता है। वैसे अगर तुरंत लगाओ तो फिर पोंछ-पोंछ के एक जो है कपड़े से फिर सेट करना पड़ता है, क्योंकि वैसे भी इतना ध्यान रखती हूँ फिर भी कॉकरोच वगैरह हो ही जाते हैं। तो बस खाना वाना खाने के बाद, और ये शाम का समय है, दोपहर में थोड़ी देर के लिए लेट गए थे और ये शाम का समय है, तो अब जा रहे हैं कपड़े फैलाने। जैसा कि हमने बताया कि इस समय कपड़े जो हैं मैं शाम को ही फैलाती हूँ, क्योंकि रात में थोड़ी हवाएं धीमी हो जाती हैं और बाकी पूरा दिन तो तूफान जैसा चलता है। फिलहाल इस समय तो एक दो दिन से थोड़ा कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है तो मैं जाती ही नहीं हूँ छत पर, तो शाम को फैला देती हूँ। तो बस कपड़े वगैरह तो मैंने फैला दिए, और फिर थोड़ी देर वही छत पे रहे घूमा टहला, क्योंकि शाम को अच्छा लगता है वैसे भी छत पर, क्योंकि बढ़िया ठंडी ठंडी हवा भी चलती है तो अच्छा महसूस होता है। और उसके बाद नीचे आए तो रात का अपना खाना वगैरह बनाया, तो सब लोग खा चुके हैं और हम लोग खा के निकल गए हैं टहलने के लिए, क्योंकि अब गर्मियाँ होने लगी हैं ना, तो रात में अक्सर यही रहेगा मेरा रूटीन कि खाने के बाद आधा पौन घंटा के लिए निकल जाती हूँ टहलने के लिए, तो थोड़ा अच्छा महसूस होता है, बाहर की थोड़ी ताज़ी बढ़िया फ्रेश हवा मिल जाती है और अच्छा लगता है।
तो मैं तो कहूँगी कि आप लोग भी टहला करो, सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो फिलहाल चलिए, अब ये दूसरे दिन की क्लिप है। तो यहाँ मतलब जो है ये सब पूरा उलझ गया था, इसमें जो पेपर वगैरह रखे थे तो कोई पेपर नहीं मिल रहा था। आधार से ही करवाना था तो वही पेपर नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए पूरा सब उलझ के ढूंढा गया था। तो ये सब वैसे बिखरा पड़ा था, हमने कहा ढूंढ लो कायदे से, उसके बाद मैं रखती हूँ। तो अब लग गए हैं, इसको पहले सही करके रख देती हूँ। और मेरा यही रहता है, मतलब मेरा क्या हस्बैंड की गलती रहती है कि पहले से कुछ नहीं बताएंगे, फिर एकदम से बताएंगे कि ये चीज़ चाहिए। अब इतने कामों में इतना कैसे ध्यान रखूं कि कौन चीज़ कहाँ रखती हूँ। और चलिए फिलहाल तो इसको सेट कर दिया है, और याद नहीं था, और जबकि इसमें था भी नहीं, रखा अलग हुआ था और ढूंढ हम इसको अलग रहे थे, बिल्कुल दिमाग में नहीं था कि हमने कहाँ रखा है। और उसके बाद फिर कपड़े प्रेस के लिए दिए थे, तो वही कपड़े लेकर आया था, सुबह सुबह ही लेकर आ गया, मतलब 8:30 बजे लेकर आ गया था। और हमने बोला भैया शाम को ले आते, तो बोला नहीं भाभी, हमने कहा चलो प्रेस हो गए हैं तो देकर आते हैं। मैं ठीक है चलो लेकर आ गए हो, चलो लगे हाथ ये भी काम हो जाएगा। तो इसको हमने कपड़े जो हैं गिन लिए हैं, क्योंकि गिन कर देती हूँ और फिर लाता है तो फिर एक बार गिन लेती हूँ, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। कभी कभी हो जाता है ना कि दिमाग से मतलब निकल जाता है कितने कपड़े दिए हैं, फिलहाल जब देती हूँ तो लिख कर रख लेती हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं लिखती हूँ तो दिमाग से निकल जाता है। तो इसीलिए जब देती हूँ तब भी गिन कर देती हूँ, फिर जब लेकर आता है तो एक बार गिन लेती हूँ। फिलहाल अभी इनको हम अलमारी में नहीं सेट किए हैं, बाद में करेंगे। तो पहले लगा लेते हैं झाड़ू। बस झाड़ू वगैरह हमने लगा दिया है, फिलहाल अभी पोछा वगैरह नहीं लगाया है, और किचन में भी सारा काम वैसे पड़ा है, अभी बर्तन वगैरह नहीं धुले हैं जो सुबह का मतलब चाय नाश्ता हुआ है। लेकिन हमको याद आ गया कि मेहंदी तो कई दिनों से लाई हुई रखी है, और मतलब ध्यान से निकल जा रहा था तो मेहंदी लगा ही नहीं पा रहे थे। और प्याज का रस वगैरह तो लगाती रहती हूँ, लेकिन मेहंदी का क्या था कि मतलब इतनी जल्दी लगाती भी नहीं हूँ, और मंगाए थे 3-4 दिन पहले ही, लेकिन ध्यान से बिल्कुल उतर गया था। लेकिन जब झाड़ू लगा रहे थे तो पैकेट पे हमारी नज़र गई, तो हमने कहा चलो आज हम इनको नहीं छोड़ेंगे, आज तो लगा ही लेंगे, और अभी खाना भी बनाना है दोपहर का, फटाफट पहले काम निपटाएंगे फिर दोपहर का खाना भी बनेगा। तो मेहंदी लगा लिया है और अब चलते हैं किचन में, क्योंकि चाय नाश्ता के मेरे बर्तन जो हैं ऐसे पड़े हुए हैं। और ये आदत हमारी पता नहीं खराब है या अच्छी है, कि मतलब नाश्ता वगैरह करने के बाद जब हस्बैंड चले जाते हैं तो सबसे पहले पूरा घर सेट करती हूँ, रूम वगैरह सब कुछ सेट कर देती हूँ, उसके बाद ही किचन में आती हूँ। तो बस अभी झाड़ू मतलब तो लग गई है, लेकिन पोछा तो अभी लगाना बाकी है। तो सबसे पहले किचन एकदम बढ़िया साफ सुथरा कर लेते हैं, और फिर उसके बाद पोछा लगाएंगे। और मेहंदी लगा लिया है तो अपना काम भी करते रहेंगे और मेहंदी भी अपना काम करती रहेगी। और काफ़ी टाइम से लगाया नहीं था तो इच्छा हो रही थी कि मेहंदी जल्दी से लगा ले बालों में। तो बस अपना यहाँ किचन वगैरह साफ कर दिया है, सब्जियाँ भी शाम को लेके आए थे हस्बैंड तो नहीं धुला था, ऐसे ही साफ करके रख दिया था, सोचा था सुबह उठ के धुल के और फ्रिज में लगाऊंगी। और सब्जियाँ मैं कभी भी बगैर धुले साफ किए फ्रिज में नहीं डालती हूँ, हमेशा एक एक सब्जी सब बढ़िया अच्छा फ्रेश करके एकदम धुल के साफ सुथरा करके तभी फ्रिज में लगाती हूँ, कभी भी ऐसे नहीं रखती हूँ कितनी भी जल्दबाजी हो। तो यहाँ हमने दाल चढ़ा दिया है और कद्दू की सब्जी कट करके रख दिया है, और अब फटाफट लगा लेते हैं पोछा, और उसके बाद नहाएंगे, क्योंकि मतलब पोछा वगैरह जैसा बताया पहले ही कि पोछा नहीं लगाया था, और पोछा हमेशा मैं बैठ कर लगाती हूँ, हमको अच्छा लगता है कि हमारी एक्सरसाइज भी होती है और हमारा काम भी होता है। और मतलब होता क्या है कि अगर हम लगाएं तो वैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन हमको मतलब बैठ कर लगाना बहुत अच्छा लगता है कि हमारी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से हो जाती है,
और अगर कभी कोई होता है या बेटी होती है, हेल्प होता है हमारा कि मतलब पोछा वगैरह कभी कभार भाई बेटी होती है तो लगा लेती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती है। और बच्चे हमारे बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन जब मैं पोछा लगाती हूँ तो हमारी शरीर जो है हमको बहुत फ्री महसूस होती है, और वैसे तो हमको क्या लगेगा कि शरीर हमारी भारी भारी लग रही है। तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि पोछा मैं हमेशा ऐसे बैठ कर ही लगाऊं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, और हाँ लाइफ को एंजॉय करते रहना जो कि बहुत ज़रूरी है। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।